ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। परसों बेटी आई थी। हाँ जी। रोती भी हैं। बोली मम्मी मैंने कहा हाँ, बोली मुझे परेशान कर रहा है ये। कौन परेशान कर रहा है? इसका मियां अजय। अच्छा। तो मैंने उसमें कहा बेटा मैं चलो कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी आपको। मैंने कहा कोई बात नहीं समझा दूंगी, मैंने पैसे भी दिए खर्चे के लिए। खर्चे के लिए कितना पैसे दिए था? 5,000 रुपये। अच्छा। 5,000 रुपये दिए मैंने उसे। तो मैं रहा और देख लूँगी, रक्षा बंधन देख लूँगी। और फिर पता मेरा हालात कैसा है इस टाइम। बोली अच्छा मम्मी, बोली मम्मी अजय मार फोड़ दिया। कौन मार रहा है? क्या नाम इसका? मियाँ अजय। अजय। हाँ। तो क्या नाम? मैं इसके घर पर गई अजय के। मैंने कहा उनके अजय, जब पापा से बात करी मैंने बैठे, मैं कि उनके अजय पापा तुम्हारा बेटा फोज मार दिया सना को और आप समझाते। तो ये बोले कोई बात नहीं हम समझा देंगे। तो बोले अच्छा क्या कि हम देखा ना कल ना कल फोन आया उसका। तो मैंने कहा रोज़ फोन आता है, फोन भी आया सना का। तो जब जाके देखा तो हमने सालों से दरोगा फोन आता हमारे पास। बोला सना कौन है? सना किसकी बेटी है? मैंने मेरी बेटी है। कौन से दरोगा फोन आया था? सिविल लाइन पे, सिविल लाइन दरोगा। तो बोले आपकी बेटी है? मैंने कहा बोला आ जाओ, उसकी डेट हो गई। मैंने कैसे सर? मैं कल तो गई मेरी को। बोले अच्छी है, बोला आप आके देख लो। तो जाने में हमें बहुत टाइम हो गया, सवाई नहीं मिली, जाम लगा हुआ था। ये लोग बॉडी भेज देते हैं, बॉडी भेज देते हैं जाकर। क्या नाम है? हमें उसकी सुरक्षा मिल गई है। तो क्या अभी 3 बजे बॉडी मिल गया। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के हिमगिरी कॉलोनी में सना नाम की एक महिला ने, जिसकी 3.5 महीने पहले शादी हुई थी, फांसी से लटक कर आत्महत्या कर ली है। इस संबंध में थाना सिविल लाइन्स पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। ये महिला जो कि मुस्लिम है, इसने एक हिंदू लड़के से शादी की थी और ये दोनों पक्ष जो हैं मुगलपुरा थाने के रहने वाले हैं। शादी के बाद ये दोनों लोग अपने घर से हटके हिमगिरी कॉलोनी में रहने वाले थे। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एवं आवश्यक विधि कार्यवाहियाँ की जा रही हैं। परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि इनकी पुत्री को इनके ससुराल वालों ने मारा है। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।